गुड मॉर्निंग। ज्ञानोडर्मा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे ज्ञानोडर्मा है, इसी तरह से इनका फेस भी चमकेगा। और हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं हमारा ग्यानोजी सोप। एंड इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी, कैसे रोटेट मूवमेंट्स में हमको इस्तेमाल करना है। तो इनका बिफोर भी तस्वीर ली गई है, और आफ्टर सोप जब हम वॉश करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि इसका क्या ग्लो आता है। इनके चेहरे पे अभी मैं करने जा रही हूँ, आप इनका बिफोर चेहरा देख रहे हैं, और आफ्टर जब वॉश करेंगे तब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ग्यानोजी सोप हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको पानी स्प्रे करना है फेस पे। तो नॉर्मल पानी आप स्प्रे करना है बॉटल के अंदर। अभी यहाँ पर स्प्रे बॉटल है, मैं स्प्रे करी, या तो आप लोग वॉश बेसिन में भी स्प्रे कर सकते हो। आई स्प्रे द वाटर, ओके, लाइक दिस स्प्रे करना है वाटर। और फिर उसके बाद हमको सोप लेना है, ग्यानोजी सोप, पानी लेना है, पानी से उसका पूरा फॉर्म निकालना है इस तरीके से। इस तरीके से हमको फॉर्म पूरा निकालना है, क्रीमी बनाना है उसको, क्रीमी करना है पूरा। इस तरीके से क्रीमी बनाना है। उसके बाद हमको रोटेट मूवमेंट्स में लगाना है। बहुत से लोग सिर्फ नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन इस सोप को हमको रोटेट मूवमेंट्स में लगाना है, ताकि वो स्किन के अंदर जाके काम करे और ब्लड सर्कुलेशन होगा इससे। तो इस तरीके से हमको लगाने का तरीका इसका यही है, इस तरीके से लगाना है जैसे हम फेशियल के स्ट्रोक्स करते हैं, उसी तरीके से हमको लगाना है नोज़ पे भी और यहाँ पर भी। बहुत सी लेडीज़ को पिगमेंटेशन होता है या पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स और पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरीके से आप लोग लगाओगे तो पिगमेंटेशन के लिए भी फ़ायदा होगा, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक महीने के अंदर उनका पिगमेंटेशन, जो सालों साल से उनके फेस पे था, एक महीने के अंदर वो ख़त्म हो गया है। लेकिन लगाने का तरीका हमारा यही है, इसी तरीके से रोटेट मूवमेंट्स में हमको इसको यूज़ करना है। नेक को नहीं छोड़ना है, गर्दन पर भी करना है, पूरा गर्दन, नहीं तो फिर दोनों में फ़र्क पता चलेगा, फ़र्क महसूस होगा। तो हमको नेक पर भी उसको करना है इस तरीके से, ये हुआ। और इतना टाइम हमको देना है, ये नहीं कि सोप जैसे हम नॉर्मल सोप यूज़ करते हैं, लगाते हैं फिर फौरन वॉश करते हैं, नहीं, ये सोप में केमिकल नहीं है, पाम ऑयल है और ग्यानोडर्मा है। तो ग्यानोडर्मा, जैसे ग्यानोडर्मा चमक रहा है उसी तरीके से इसका स्किन भी चमकेगा। जब वॉश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी चमक है इसके फेस में भी, और हमारा सोप कितना फ़ायदेमंद है। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे। अभी ये हमने सोप लगा दिया है, हम लगा के छोड़ देंगे। जो हम लोग नॉर्मल सोप लगाते हैं, जो नॉर्मल लेते हैं, जो फिल्म स्टार्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लक्स वगैरह, वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं। वो लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको दिखाते हैं, लेकिन उसको हम वो लोग यूज़ नहीं करते, वो लोग हमेशा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के वक्त में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा सोप है, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं और लोगों को उसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। और उसका रिज़ल्ट हम 15 मिनट के बाद देखेंगे, उसका रिज़ल्ट क्या आता है। 15 मिनट हमने इसके मुंह पे सोप रखा है, 15 से 20 मिनट ज़्यादा ही टाइम हो गया है, लेकिन कोई हार्म नहीं क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। और लगाने के बाद ये 15-20 मिनट बैठी रही। समीरा, यू फील समथिंग ईचिंग और एनीथिंग? नो, बिकॉज इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल के बिना है, इसलिए इनको कुछ ईचिंग नहीं हुई। अगर हम दूसरा कोई सोप अपने गाल पे लगाएंगे तो हमको ईचिंग शुरू हो जाएंगी। तो आपको बताने का तरीका और एक भी है, आप बता सकते हो, एक गाल पे अपना सोप लगा के दूसरे गाल पे और दूसरा सोप लगा के, तो आप बता सकते हो उसमें कितनी ईचिंग आ रही है और कैसे आप फील कर रहे हो। तो ये सोप लगा के हमने 20 मिनट छोड़ा है, अब हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं स्पंज के ज़रिए। इस तरीके से करके हमको इसको क्लीन करना है, क्लीन के बाद उसको ड्राई करना है। और बहुत से लोगों के इसके मुंह पे तो कुछ है नहीं, छाइयाँ वगैरह, बहुत से लोगों को पिगमेंटेशन होता है गालों पे, गालों पे पिगमेंटेशन होता है या पिंपल्स के मार्क्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट है। और सब में बेस्ट हमारा ग्यानोजी टूथपेस्ट, बिकॉज इसके अंदर मिंट है, मिंट हमारे स्किन को ड्राई करता है। अगर पिम्पल्स के दाग है, पिम्पल्स है, तो उसको ड्राई करता है, और ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हमने सोप इस्तेमाल करने का तरीका बताया, उसी तरीके से हमको रोटेट मूवमेंट में सोप लगाना है। 15 से 20 मिनट आप छोड़ सकते हो उसको, उसके बाद हमको टूथपेस्ट यूज़ करना है। लेकिन टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए हमको पानी लेना है, थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है, ग्यानोजी टूथपेस्ट। ये पिम्पल या पिगमेंटेशन के लिए बता रही हूँ, उसको थोड़ा सा हमको टूथपेस्ट लेना है और उसको पानी के साथ हमको मिक्स करना है, पानी के साथ इस तरीके से मिक्स करना है। और जहाँ पर पिगमेंटेशन है,
या पिंपल्स है, पिंपल्स के मार्क्स है, वहाँ पर हमको इस तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से अप्लाई करना है, तो हमको कूल फील होता है, ठंडक भी महसूस होती है और ये अच्छा है हमारे पिगमेंटेशन एरिया के लिए। ये तरीका आप 1 महीना 15 दिन 1 महीना अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको जो छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, उसको ख़त्म कर देगा और पिंपल्स के मार्क्स है उसको भी ख़त्म कर देगा। अगर स्किन पे आपके कहीं पर भी पिंपल्स है या कोई इरिटेशन है तो आप इसको भी, ये गैनोजी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके काफ़ी और भी तरीके हैं किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। अभी हम हेयर मसाज का ट्रीटमेंट करेंगे फॉलिंग हेयर्स के लिए और डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो उसके साथ में हम इसको भी दिखाएंगे। 15 मिनट के बाद हमने इसका फेस वॉश किया, आप देख रहे हैं इसके फेस पे कितना ग्लो आया है अपने गैनोजी सोप की वजह से।